गणेश चतुर्थी पे मोदक हर घर में बनाया जाता है। ये बप्पा जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं आज आप लोग के लाई हूँ मोदक की बहुत ही आसान रेसिपी जो कि झटपट बन जाती है। तो इसके लिए आपको एक पैन को गरम कर लेना है, हल्का सा गरम करना है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच घी। घी को आप हल्का सा मेल्ट होने दीजिए, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। इसके बाद जब घी मेल्ट हो जाए हल्का सा, तो आप इसमें डाल दीजिए खसखस यानी कि पॉपी सीड 1.5 चम्मच के लगभग। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसको आपको लो फ्लेम पे भूनना है, तो आप यहाँ कंटिन्यूस चलाते हुए इसे आपको भूनना है जब तक कि जो इसका कलर है ना हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे इसका जो कलर है ब्राउन हो गया, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है लो फ्लेम पे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। तो मैंने एक नारियल को कद्दूकस कर लिया है यानी कि ग्रेट कर लिया है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। मैंने स्किन नहीं निकाली हुई है, अगर आप चाहें तो स्किन निकाल के भी आप इसका बुरादा बना के डाल सकते हैं। तो इसको आपको लो फ्लेम पे ही भूनना है, इसका कलर ज़्यादा हमें चेंज नहीं करेंगे। और बस इसका हल्का सा जब खुशबू आने लगे तो आप इसको भूनना बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नारियल है बहुत अच्छे से भून गया है। तो मैं इसमें डालूंगी कुछ किशमिश। तो यहाँ पे मैंने थोड़े किशमिश को साबुत रखा है, थोड़े को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं डालूँ काजू और बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं। पैन मैंने इसे कट करके डाला है, आप फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको हमको लो फ्लेम पर भूनना है। जो काजू और बादाम है वो भी अच्छे से आपके यहाँ पर रोस्ट हो जाना चाहिए। तो सभी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और हल्की हल्की खुशबू आने शुरू हो गई। तो मैं इसमें डालूंगी गुड़। ट्रेडिशनली आप ये गुड़ भी बनाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे आधा कप से कम गुड़ लिया है, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिया है ना सबकी खुद की मिठास होती है। आप चाहें तो यहाँ पर फुल आधा कप भी गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डाला है, इतने में इसकी स्वीटनेस है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और इसको आपको पकाना है लो फ्लेम पर। गुड़ जो है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी छोटी इलायची का पाउडर। इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है, इससे इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पर आप 1/4 टीस्पून डालें, इससे ज़्यादा आप ना डालें। तो जो हमारा ये मिक्सचर है रेडी हो गया है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे मोदक के लिए आटा। तो मैंने सेम वही पैन यहाँ पे यूज किया है, इसमें मैं डालूंगी पानी। तो आपको डालना है यहाँ पे 1.5 कप पानी। आप अगर आपके पास ऐसा मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी बाउल से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच घी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मोदक का और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें आपको डालना है 1/4 टीस्पून नमक। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से मोदक बना रहे हैं, तो इसमें आप हल्का सा नमक ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। जब आपका पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दीजिए और एक हाथ से आप गिराइए और एक हाथ से आप विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करते रहिए, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर देंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर 1 कप आटा ही यूज किया है, उसी कप से जिससे हमने पानी डाला हुआ था। इसको आपको यहाँ पर अब कलछी से आपको इसे मिक्स करना है। तो देखिए आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है। तो आप इसे चलाते रहिए और मसल मसल के इसको आप पका लीजिए जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, इसे एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है, एक जगह आसानी से इकट्ठा हो जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। आप इसे बीच में एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो जो आपका चावल का आटा है वो नीचे से रेड कलर का भी हो सकता है। तो आप इसे एक बार बीच में चला लीजिए। देखिए मैंने इसे एक बार चला लिया था, इस बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। इसको लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है ढक के, जिसके ये भाप से ना अच्छे से पक जाए। तो हमारे चावल का आटा जो है बहुत अच्छे से पक गया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बड़े से परात में निकाल लेंगे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी आप इसको टच ना करें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब आपको इसको मसल मसल के गूंथना है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ 1 चम्मच घी और इसको हम गूंथेंगे। आटा जो ये है वो हल्का गर्म हो तभी आपको इसको गूंथना है, ये बहुत आसानी से गूंथ जाएगा। थोड़ा सा हल्का आपको फील होगा, पर अभी आप गूंथेंगे तो इसका जो टेक्सचर है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे रोटी का आटा होता है ना वैसा ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और घी डाल दिया है जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और इसको गूंथ लिया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो आटा हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है।
अब मैंने यहाँ पे स्टफिंग आटा और यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लिया है। घी को हम यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड में लगाएंगे जिससे जब हम मोदक को निकालें तो बहुत ही आसानी से निकल जाए, मोदक चिपके नहीं। और थोड़ा सा आपको हाथ में लगा लेना है। इसके बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बॉल बना लीजिए आटे का, और इसको अब आपको डाल देना है मोदक के मोल्ड के अंदर। और इसको आप थोड़ा सा अपने हाथों से प्रेस करके इसके चारों तरफ फैला लीजिए, बहुत ही आसानी से फैल जाता है ये। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा के भी आप इसे प्रेस करके इसे आप फैला सकते हैं, और बीच में आपको होल बना लेना है। इसके बाद आप एक स्टफिंग को इसके अंदर रख दीजिए, और अब थोड़ा सा चावल के आटे को आप इसके ऊपर रख के इसको बंद कर दीजिए और अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए जिससे ये अच्छे से फील हो जाए। तो आपको अच्छे से यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे आपको अब ऐसे खोल लेना है, हाथों में थोड़ा घी लगा है, थोड़ा फिसलता है, लेकिन आप इसे इजीली ऐसे निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा मोदक बनके रेडी हो गए हैं। तो ऐसे ही हम अपने दूसरे मोदक को भी रेडी कर लेंगे। इसको आप नीचे से इसे फील कर दीजिए और इसको आप इजीली निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है और देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि आप कैसे मोदक बना सकते हैं। जो मोल्ड है इसको आपको ओपन कर लेना है, और उसके जो हाफ पार्ट है इस पर आपको अच्छी तरह से आटे को भर देना है। बहुत ज़्यादा ना भरे, इसमें थोड़ा सा जगह रखें ताकि आप इसमें स्टफिंग को भर के आप इसमें प्रेस कर सकें। तो इसको आपको अच्छी तरह से बंद कर देना है, और साइड से भी आप इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए जिससे इसका शेप बहुत अच्छे से निकल सके। तो देखिए बहुत अच्छा शेप मोदक का बन गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास मोदक का जो मोल्ड है वो नहीं है तो आप कैसे मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटे का छोटा सा बॉल ले लिया है, और बीच में हम हल्का सा होल बना लेंगे, जैसे हम पराठे की स्टफिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे होल बना लेना है। और इसके अंदर आपको स्टफिंग डाल देना है, और इसके ऊपर से आपको हल्का सा प्रेस करते हुए इसे बंद करना है, जैसे हम पराठे को बंद करते हैं वैसे ही बंद करना है। और इसे मोदक का शेप दे देना है। आप हल्का सा हाथों में घी लगा लीजिए और इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे जो ये फोक होता है इससे भी आप इस पर हल्का सा डिज़ाइन दे सकते हैं, या बिना इसके भी आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। तो हमारा मोदक बिना मोल्ड का बन के रेडी हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 से 9 मोदक बना के रेडी कर लिया है एक कप में। तो अब हम जिसमें अभी आपको स्टीम करना है ना मोदक को, उस प्लेट को आप ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह से। और मैंने यहाँ पे एक भगोने में पानी गर्म होने के लग दिया है, ऊपर ये मैंने प्लेट रख दिया है, और इसे हम ढक के इसको गर्म कर लेंगे। जब आपका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, देखिए ऊपर भाप आने लगा है, तो हम इसके ऊपर अपने मोदक को रख देंगे और इसे ढक के आपको पकाना है मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। हमारे मोदक बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो इसको आपको निकाल लेना है। ये मोदक गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ट्रेडिशनली इस पर घी डाल के सर्व किया जाता है, तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा घी, से लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है। और डाल दीजिए इस पर आप, अगर आप केसर का धागा है तो थोड़ा सा वो लगा दीजिए। बहुत ही टेस्टी मोदक बनके रेडी हो गए हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाता है, इसमें ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ कि हमारे मोदक कितने अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।